आजकल शत्रुता इतनी बढ़ गई है, एक दूसरे की हत्या, सारे अखबार भरे पड़े हैं, सारे न्यूज़ चैनल भरे पड़े हैं, सब कुछ। किसी भी देश के अंदर देखिए, जापान का राष्ट्रपति मार दिया, कहीं किसी के ऊपर भी छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, संसार के अंदर हाहाकार मची हुई है और मन शांत नहीं है। इतना अंदर में आग जल रही है, कोई किसी को नहीं सहना चाहता, ना कोई किसी की सुनना चाहता, ना कोई किसी की मानना चाहता, ना कोई किसी के किसी भी प्रकार से कमजोर पड़ना चाहता, ना क्षमा करना चाहते। इंसानियत के अंदर इतना राक्षसी प्रवृत्ति हो गई है कि छोटे छोटे दो दो चार चार वर्ष के बच्चों को गोलियों से मार दिया जाता है। क्या हो रहा है इस संसार के अंदर? और फिर जिनको मार दिया जाता है, उनके जो पीछे बचे हुए परिवार वाले, वो शत्रुता के ऊपर आते हैं, ऊपर उतर आते हैं, वो उनको मारने के लिए दौड़ते रहते हैं, वो भागते रहते हैं, फिर वो उनको मार देते हैं, वो उनको मार देते हैं। इस संसार के अंदर इसी प्रकार से युद्ध चला हुआ है। बिना युद्ध होते हुए भी ये एक प्रकार का युद्ध चला हुआ है कि वो उसको देख के खुश नहीं है, वो उसको देख के खुश नहीं है। आपस में अगर किसी भी प्रकार से सामने सामने बैठा दिया जाए तो दोनों पक्षी समझने को मजबूर हैं। ये ऐसा हो जाता है, कोई भी झुकने को तैयार ही नहीं होता, समझना ही नहीं चाहते। होता क्या है, ना वो झुकना चाहता, ना वो झुकना चाहता, कसूर करके भी नहीं झुकना चाहते। बेकसूरों का क्या कसूर है? अगर कसूर करने वाला झुक भी जाए तो जिसका अपराध हुआ है वो हृदय से माफ नहीं कर पाता और अंदर में कुछ न कुछ उनके चलता रहता है, कुछ न कुछ अंदर में इस प्रकार का कि मैं कैसे बदला लूँ, क्या करूँ, कैसे ये मुझे मिले, कैसे इसको नुकसान पहुंचाया जाए, कैसे इसके ऊपर चोट की जाए, कैसे मुझे मौका मिले, इस प्रकार से उसके पीछे भागता रहता है और बदले की भावना में जलता रहता है। अंदर से आग की तरह से प्रतिशोध की जो अग्नि होती है ना, वो क्रोध अग्नि से भी बड़ी होती है, क्योंकि क्रोध की अग्नि भी उसके साथ में होती है, वो तो जलती ही है, प्रतिशोध की अग्नि भी जलती है। जब दो आग अंदर में जल रही हो, तूफान मचाओ, शांत कैसे हो सकता है? और अंदर में वही विचार बार बार उठते रहते हैं, चाहे लेटे बैठे सोए, कहीं जाए कहीं रहे, किसी भी प्रकार से वो कुछ भी करे, लेकिन वो चीज़ उसके दिमाग से नहीं निकलती। और जब तक वो चीज़ उसके दिमाग से बाहर नहीं निकलती, तब तक उसका दिमाग शांत नहीं होता। और जब तक दिमाग शांत नहीं होता, वो अपने पूरे परिवार को भड़काता रहता है, चारों तरफ माहौल तैयार करता रहता है और अपने साथ अपने और मजबूत टीम करता रहता है कि कभी मौका लग जाए और मैं भी इसके ऊपर उसी प्रकार से प्रहार करूं जैसे इन्होंने मेरे ऊपर किया है। तो इस प्रकार से वो प्रहार करे, बदला ले या और कुछ करे, वो समय परिस्थिति की बात है, लेकिन अंदर में उसके बदला लेने के बाद भी शांति नहीं पड़ती, क्योंकि फिर वो वैसे भागता रहेगा कि अब वो मेरे ऊपर अटैक होगा। इस प्रकार से समाज में ये इतना खतरनाक हाज चला हुआ है कि जिसके साथ होता है उसी को पता चलता है। कि आप ये सोचोगे ये कैसा टॉपिक है, ये टॉपिक इतना समाज के अंदर घुसा हुआ है या आप लोगों के अंदर घुसा हुआ है, किसी भी प्रकार से दबा भी लें तो नकारात्मक ऊर्जा इतनी हो जाती है, वो नेगेटिव इतना हो जाता है, वो आदमी उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, ना किसी की सलाह अच्छी लगती है,
न अगर कोई समझाए तो अच्छा लगता है, ना कोई मदद करके ये बोले कि छोड़ दो उसको, ना अच्छा लगता है। सारा सर्कल खराब हो जाता है, जीवन खराब हो जाता है, परिवार खराब हो जाता है, मन खराब हो जाता है, शरीर खराब हो जाता है, एनर्जी खराब हो जाती है, अध्यात्म का रास्ता बंद हो जाता है। तो इसका सबसे कि अक्षमा हृदय से कीजिए, फॉर्मेलिटी से नहीं, अंदर से अक्षमा कीजिए। और जब आप अंदर से अक्षमा करेंगे और परमात्मा के ऊपर छोड़ देंगे, तो वो परमात्मा अपने हिसाब से, अपने सिस्टम के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, जैसी उस जीव की प्रवृत्ति होगी उसी के अनुसार उसका व्यवहार अपने आप ही सारा सिस्टम तय कर देगा। उसके कर्मों के अनुसार उसकी सजा अपने आप ही निर्धारित होती चली जाएगी।